अपने कुरान से नहीं करते, अपने दीन से नहीं करते, तो सचिन से मोहब्बत क्या करेगी। तो सीमा अरेरा के चर्चे आपने सुनी लिए होंगे कि पाकिस्तान से आई हुई एक लड़की इंडिया में यहाँ पर है और किसी लड़के से प्यार हो गया पबजी के खेलते खेलते। तो वैसा कुछ सीन आपने देखा होगा, सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ये सीन। सो उसी से रिलेटेड एक वीडियो देखेंगे, सीमा हैदर एक्सपोज्ड। क्या वो सच में पाकिस्तानी है, क्या वो पाकिस्तान की नहीं इंडिया की है, ऐसी बातें भी चल रही हैं। क्या वो अगर नहीं है तो पाकिस्तान में लोग उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं कि हाँ वो हमारी पड़ोसन है। सो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत कुछ है। तो उससे रिलेटेड एक वीडियो देखने वाले हैं हम सलमान सैफ की तरफ से, सीमा हैदर एक्सपोज्ड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ससुराल वालों का क्या कहना है सीमा को लेकर, जरा सुनिए। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है, मैंने रंगे हाथों मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। ये है सीमा का घर, जो कि पाकिस्तान में रहती थी लेकिन अब वो रहती है इंडिया में। कराची में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था सीमा, अब वो मौजूद है इंडिया में। और इंडिया में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन वो कोई जासूस नहीं है। उसके शौहर का नाम था हैदर, जो कि सऊदी अरबिया में जॉब करता है, और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था पाकिस्तान के अंदर। बेटा हट जाओ, अगर तुम लोग ऐसे सीमा का ख्याल करते तो वो यहीं पर ही होती आज। जी, सचिन और सीमा आपस में अफेयर चला, सीमा यहाँ से दुबई, वहाँ से नेपाल और फिर इंडिया। इस तरीके से बिना वीजा पासपोर्ट के तारों के नीचे से सीमा रातों रात इंडिया पहुंच गई। तो आए इनके इलाके के लोगों से जानते हैं कि सीमा एक जासूस थी पाकिस्तानी या क्या थी? नहीं, जासूस वाले नहीं थी। जो पबजी पे उसकी सेटिंग हुई, बस जो है मतलब के वहां सेटिंग हुई, उधर से ही चली गई। बात करेंगे आप? उधर से ही चली। बात करेंगे आप? नहीं करेंगे। मना कर सीमा के बारे में? नहीं। सीमा कह रही है कि अगर मेरे बच्चे या मैं पाकिस्तान गई तो ये लोग मुझे मार देंगे पाकिस्तानी। उसने हमारे पाकिस्तानियों को ऐसा दिखा दिया इंडिया के अंदर जैसे हम जल्लाद हैं। मैं सर नहीं जाना चाहती पाकिस्तान, और प्लीज़ मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मुझे भेजा भी ना जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सीमा यहीं पर ही रहती थी? जी, यहीं पर रहती थी। मैं उसको देखता था, उसके चार बच्चे थे। कभी दुकान पे बैलेंस डालने जा रही है, कभी सब्जी लेने जा रही है। मैं बताता हूँ, उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसके तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। सीमा उसके साथ थी? एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे। सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। और आप यहीं रहते हैं? यहाँ पे सीमा यहीं पर ही रहती थी जो इंडिया चले गई? हाँ, यहीं पर ही रहते हैं। आप सीमा को कितने साल से जानते हैं? मैं तो 2-4 महीने से देखता था, इधर घूमता फिरता था। अब इधर से भागी है, तो मोहल्ले वाले कह रहे थे यही लड़की जो घूमती थी यही है। मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। क्या बात करती थी? पता नहीं हमको, अभी पता नहीं है। मैं कोने से देख लेता था, पार्किंग वाले से भी ये मिलता था रोज। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है सीमा। हाँ, मैंने रंगे हाथों मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। कब से जानते हैं आप सीमा को? यार मैं 22 साल का हूँ, तब से ही जान रहा हूँ। सीमा शुरू से यहीं पर ही रहती थी? हाँ, यहीं पर ही देखा है मैंने तो। ये पीछे वाली गली में से आती थी यहाँ पर सामान लेने। इसी गली में रहती थी, 3-4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मरतबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था। अरे, एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मरतबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मरतबा गली में। ऐसा उसके नहीं बाद ये जाके नेपाल में मिली है, लेकिन इस गली में हमने देखा था। कह रहे हैं कि सीमा पे काला जादू हुआ है, सचिन ने करवाया। वो काले जादू से ही गई है। कोई काला जादू नहीं हुआ है, ये इस औरत का खुद का दिमाग खराब था। पबजी खेल खेल के सारा आजादी इसको जिसने खराब किया वो आजादी थी। शोहर ने इसको आजादी दी थी, वो शरीफ आदमी है, क्योंकि वो शक्ल से बेचारा शरीफ लगता है। जो 3 साल से दुबई में इस बच्चों के लिए ख्वार हो रहा है, उसको फुल आजादी थी। इसने आजादी का नाजायज फायदा उठाया, उस बेचारे का घर बेचा, ज्वेलरी बेची, सब कुछ बेचा, इंडिया भाग के चली गई। सीमा को देखा कभी? हाँ, देखा है, गुजरते हुए ये आती जाती थी, देखा है। सीमा इलाके में मतलब जब रहती थी तो किस टाइप की लड़की थी? जब आपके एरिया में, जब आपके जो मतलब फैशन वगैरह ये वो मतलब के सही नहीं थी मतलब सीमा? अरे यार, वैसे उनका शौहर जो है वो सऊदी में रहता था, हैदर नाम था उसका, और अभी वो इंडिया में रह रही हैं सचिन नाम के शौहर के साथ, और अपने बच्चों को उन्होंने हिंदू मज़हब में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या वो हिंदू थी या मुसलमान थी? मुसलमान थी, यहाँ पर
नजर जो आ रही थी वो मुसलमान। तुम हमें नहीं चाहिए, तुम जाके दफा हो जाओ। तुम जाके तुमने मजहब चेंज कर दिया, अपना दीन छोड़ दिया है, तुम हर चीज से गए हो। सीमा थी तो मुसलमान, इतना आप लोगों को पता है? पता है, कर मुसलमान थी। मुसलमान थी लेकिन उसको पता कुछ नहीं है। नमाज वगैरह पढ़ती थी? नमाज पढ़ती थी, क्यों नहीं पढ़ती थी? उसका मियां खुद शोर सिंधी है, हैदर हैदर बलोच है, वो रिंदे बलोच है, सिंधी है या दो मियां भाई? एक ही मियां पाकिस्तान में। असल बात क्या है कि ये औरत खुद गैर जिम्मेदार है। ये बोलते हैं कि बलोच जो है लड़कियों को बांध के रखते हैं, जुल्म करते हैं। अगर जुल्म होता तो आपके पास, यहाँ अकेली घर पे रहती थी, आपको 70-80 हज़ार महीने का देता था, आपके पास मोबाइल थी एक नहीं बल्कि दो, आप सारा दिन पबजी खेलती थी, दूसरे लोगों से बात करती थी। आप बताओ ये बंद थी या खुली हुई थी? खुली हुई थी सीमा, खुली हुई थी जी। यहाँ से उसने घर बेचा है, घर इसके नाम पे किया उस शोर ने, इससे इतना प्यार करता था, वो जिम्मेदार था, 3 साल से बेचारा वो दुबई में काम कर रहा है। और सीमा ने कभी वो उधार किया आपसे? नहीं, वो किसी और दूसरे बंदे के साथ आती थी। अच्छा, सीमा का किसी और के साथ भी अफेयर था? सीमा का घर कहाँ पर है? सीमा का घर इस गली में था। रोज बंदे चेंज होते थे उसके घर पे, रहते थे रोज उसके घर पे, बंदे चेंज होते थे आते थे। कभी उसके बच्चों को देखो कोई आदमी लेके जा रहा है, कभी बच्चों को देखो दूसरा आदमी लेके जा रहा है। घर पे जाओ उसके, दिखाओ कौन सा घर है। मतलब सीमा के कितने यार थे? सीमा के यार बहुत थे। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा, इतनी फेमस हो जाऊंगी और लोगों तक बात, अगर ये बात दबी रहती तो कोई कुछ भी ना करता। ऐसे दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छा फिगर था उनका। आपको भी अच्छी लगती? ये भी बुरी नजर, ये जो गंदगी है ना, मुसलमान से इंडिया भाग गई है, पूरे मोहल्ले वालों को उसके ऊपर नालत है। बस ये बेचारी अभी खुशी होगी कि मैं इंडिया जा रही हूँ, इंडिया, लेकिन बच्चे वापस करें, हमें बच्चों का दुख है। बच्चों के नाम क्या थे? बच्चों के नाम बताएं क्या थे? एक का फरहान था, एक का फरहान था, एक का नुमान था। दो लड़कियां थी, दो लड़के थे, एक लड़की, तीन लड़कियां, एक बेटा। सीमा की उम्र क्या थी? यार मेरे याद में 25 साल की थी। 25 साल? नहीं यार, 22 का मैं हूँ, वो 25 की कहाँ से होगी, 30 ही होगी। 4 बच्चे हैं उसके, इतनी मोहब्बत उसका हस्बैंड कर रहा था, 4 बच्चे हो गए, और कौन सी मोहब्बत ढूंढ रही है वो। सीमा को जाना चाहिए था तो पहले अपने हस्बैंड से जो है ना तलाक लेता, फिर उसके साथ लीगल तौर पे चले जाता, कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान कौम के ऊपर आप एक दाग हो, दबा बन चुके हो, हमें आपकी ज़रूरत अब नहीं है। सीमा, आप मेहरबानी करके बच्चे वापस कर दो। पाकिस्तानी जासूस है ये, इंडियंस कह रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है इंडिया ने भेजा होगा पाकिस्तान ने। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं पाकिस्तानी जासूस है, अगर गई है तो पाकिस्तान ने भेजा होगा। बिल्कुल ये बात राइट है, मतलब उस बात से मुकरे, हम नहीं मुकरेंगे। मतलब आप उसको और फंसा रहे हैं? भले फंसे ना, जब पाकिस्तान की गद्दारी कर रही है तो वहाँ जाके सुकून क्यों करे? जो वैसे जो हमारी नहीं हुई वो इंडिया की भी नहीं होगी। नहीं होगी, जाहिर बात है, जो अपने बच्चों की नहीं, अपनी शोर की नहीं, अपने मुल्क की नहीं है, तो वो कौन सी होगी, वहाँ कौन सी अच्छाई करे। ये इन लोगों ने जितना रश अभी लगाया हुआ है, अगर ये रश पहले लगा के रखते ना, सीमा भाग ही नहीं पाती। बेशक बिल्कुल, ये पहले रश लगाते ना तो सीमा की औकात ही नहीं थी जैसे भाग जाए। अच्छा, सीमा का जो हस्बैंड था वो कितने साल से पाकिस्तान नहीं आया था? यार मैंने तो देखा ही नहीं था, वीडियो पे ही पता। वो ज्यादा लंबा चला गया, 3 साल से पाकिस्तान नहीं आया था इसीलिए। और सीमा का आखिरी जो बेटा था, सीमा की आखिरी जो औलाद थी, वो कितने साल की थी? ये तकरीबन 1-3 साल का। 3.5 साल से शौहर जो है सीमा का, वो पाकिस्तान नहीं आया और 3 साल की सीमा की औलाद हो गई। वो आपकी बात मैं समझ रहा नहीं हूँ, दरअसल बात ये है। और मैं एक बात याद रखना, मैं अभी खुल्लम कह रहा हूँ, इंडिया के लोग जो उसका शोर है, उसका नाम क्या है जो इंडिया में, सचिन, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ये इंडिया से जाएगी अमेरिका जॉनसन के पास, जहाँ भी जाए, लेकिन इसके पास नहीं रुकेगी और इसका भी मुंह काला करके जाएगी, ये बता देता हूँ। अरे बेटा, कोई अच्छी बात थोड़ी हो रही है, तालियां बजा रहे हो। सीमा ने आपको घर भी बेचा था अपना? नहीं, मुझे नहीं बेचा। तो सचिन को ये लग रहा है कि सीमा मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। अगर जो अपने वतन से नहीं करती, अपने मुल्क से नहीं करती, अपने बच्चों से नहीं करती, अपने मियां से नहीं करती, अपने कुरान से नहीं करती, अपने दीन से नहीं करती, तो वो सचिन से मोहब्बत क्या करेगी? अगर अभी सीमा आपको देख रही है, ये वीडियो इंडिया तक जाएगी, सीमा आपको देख रही है, आप क्या कहना चाहते हैं सीमा को? वो आपको जानती है? हाँ, सीमा को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, बराए मेहरबानी, पहले तो आपने गलत हरकत की है, और आपने जो है ना अपने हस्बैंड को छोड़ के, आपने मजहब छोड़ के, आप जो है तो अपनी जो है आपने जहन्नम में जाके गिरे हो। बहरहाल ठीक है, आप जो भी कुछ हो,
एक तो आप बलोच कौम के खिलाफ आप कोई बात नहीं करें। यहाँ पे सुखी थी शोहर के पास, बहन का घर साथ में, सब कुछ है, इज्जत है, उसको छोड़ के चले गए, आपके पास कहाँ रहेगी? आप तो कंगले हो, 13,000 तनख्वाह लेते हो, पता नहीं भंगी का काम करता है, पता नहीं क्या करता है। सचिन जी जी वो गटर साफ करता है यार। लेकिन सीमा हैदर एक मिस्ट्री बन गई है। अभी जो करेंटली सिचुएशन आपको बताऊं, 18th है आज, 18th ऑफ जुलाई, तो अभी दो दिन से पूछताछ चल रही है, दो बार से, दूसरी बार है कि आज भी पूछताछ होगी। उनको पूछा गया क्योंकि उनकी जो हाव भाव हैं वो लग नहीं रहे हैं कि बंदी क्यों आई है, किस लिए आई है, क्योंकि इंग्लिश अच्छे से बोल रही है और बोल रही है मैं फेल्ड हूँ या फिर चौथी पाँचवीं पास हूँ। दूसरी हिंदी बहुत अच्छे से बोल रही है जबकि वो उर्दू उससे रीजन से बिलोंग करती है, पाकिस्तान से बिलोंग करती है। तो सीमा हैदर अजीब ही एक मिस्ट्री बन गई है कि वो क्यों आई है, किस लिए आई है, ऐसे सवाल उठते हैं क्योंकि उसकी वो चीज़ें सही नहीं निकल रही हैं, लोगों को डाउट हो रहा है। डाउट तो होंगे भाई, पाकिस्तान से बंदी आई है तो डाउट तो होंगे। हस्बैंड उसके साथ नहीं था कई सालों से, तो मैडम अकेली हो गई और पबजी में पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, अंग्रेज़, फ्रेंच, रशियन, किसी से भी कॉन्टैक्ट हो जाता है भाई और बात होने लगती है। तो वैसे ही कुछ सीन बन गया इनका, आई डोंट नो। पड़ोसी गलत तो बोलेंगे भाई, वहाँ से भाग कर आई है और उसको वापस जाना भी नहीं है। पहले उसको क्लीन चिट मिलना ज़रूरी है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इंडिया में अगर उसको क्लीन चिट मिली तभी कुछ हो सकता है, वरना वो फंस सकती है भाई। अभी भी उसको ऐसा ना समझे कि ये प्यार की प्रेम कहानी जो है वो सफल हो चुकी है, सक्सेसफुल नहीं हुई अभी। यहाँ पर सीन अभी चल रहा है, अब इंक्वायरी होना शुरू हुई है। अभी तक तो मीडिया में बहुत हू हल्ला मचा हुआ था कि सीमा हैदर कौन है, क्या है, ये है, वो है, लेकिन अब इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या।